नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करण जीके की इस सीरीज में आज हम आर्द्र भूमि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम वेटलैंड्स बोलते हैं। हालांकि खबर थोड़ी पुरानी है, फरवरी के महीने की है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संस्था है नीदरलैंड की, वेटलैंड इंटरनेशनल, उसने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उसके तहत ही कुछ आर्द्र भूमि की सूचियां बनाई गई। उसके तहत भारत के 26 क्षेत्र पहले शामिल थे, अब वर्तमान में इसमें एक 27वां क्षेत्र और शामिल कर दिया गया है। तो हम उस 27वें क्षेत्र की बात करेंगे और साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए, आर्द्र भूमि। हमें सबसे पहले आर्द्र भूमि के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको रामसर साइट से या रामसर कन्वेंशन से या रामसर सम्मेलन से जोड़ पाएंगे। यदि हम आर्द्र भूमि की बात करें तो आप जानते हो आर्द्र मतलब नमः, नमः आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में गीला। तो स्थल व जल का मध्य भाग कह सकते हो, मिड पार्ट, मिडिल पार्ट इसको कहा जा सकता है। आप इसको यदि डायग्राम में करना चाहें तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं इसको, जैसे ये स्थल है और ये जल है, तो ये जो बीच का पोर्शन होगा ये वाला, इसको हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं, वेटलैंड बोलते हैं इसको। अब यदि हम जनरल बात करें कि आर्द्र भूमि का योगदान क्या है, हम क्यों इसका संरक्षण कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें इसका संरक्षण करना पड़ रहा है, देख तो इससे यदि हम आर्द्र भूमि के कार्यों को जान लें हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि आर्द्र भूमि का संरक्षण क्यों किया जाता है। देखिए, आर्द्र भूमि है मिट्टी को पानी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे बारिश हुई तो यदि भूमि आर्द्र होगी तो वो क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। अब यदि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो पानी नीचे नितर नितर के जाएगा, इसका मीन्स ये निकला कि पानी शुद्ध होगा। तो एक तो जो भूमिगत जल वगैरह है उसके अंदर जो पानी जाएगा, जो अपना वाटर लेवल बनेगा, वो शुद्ध पानी का बनेगा। आर्द्र भूमियों का पहला प्रभाव ये होता है। दूसरा, आप देखिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। अब बाढ़ को नियंत्रित कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मिट्टी जो है आर्द्र भूमि है, नमे वाली है, अब जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ का पानी फैल गया, तो मिट्टी क्या करेगी, उस बाढ़ के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बाढ़ का नियंत्रण हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ, हमारा वाटर लेवल बढ़ता है। तो इसके और भी कई फायदे हैं, लेकिन ये मेन तीन मैंने आपको बताइए। भूमिगत जल स्तर ज़्यादा बनता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, और पानी नितर नितर के आता है, शुद्ध होता है। आप कह सकते हो पानी को शुद्ध करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसी कारण से इसका संरक्षण किया जा रहा है। अब यदि हम इसके संरक्षण की बात करें तो नीदरलैंड की एक संस्था है, ये वेटलैंड इंटरनेशनल, वो इसमें काम करती है। लिखिए संबंधित संस्था, या इसे लिखिए संरक्षण से संबंधित संस्था। ये है वेटलैंड इंटरनेशनल। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है ये है नीदरलैंड। अब इस संस्था ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, उसका नाम था रामसर सम्मेलन। तो ये रामसर सम्मेलन क्या है, अभी हम उसकी बात करते हैं। फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हेडिंग डाल दीजिए रामसर सम्मेलन, ये क्या है? रामसर सम्मेलन, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आद्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। आयोजन किसने किया था? वेटलैंड इंटरनेशनल ने। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है? आद्र भूमि के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था कहां पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। अब ये जो रामसर सम्मेलन है इसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसका जो ज्यादा पॉपुलर नाम है वो चलता है रामसर साइट्स, ये ज्यादा चलता है रामसर साइट्स। अब यदि हम रामसर साइट्स की बात करें तो ये जो सम्मेलन हुआ था इसका जो आयोजन हुआ था, या इसको अपने ऐसे करते हैं दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक तो इसका आयोजन, इसका आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इसका जो आयोजन हुआ था ये स्थान था रामसर, रामसर में इसका आयोजन हुआ था। रामसर ईरान का एक क्षेत्र है, यहां पर हुआ था, इसी कारण से इसको रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट जानते हैं। अब यहां क्या बातें हुई थी, लिखिए, इस सम्मेलन में विश्व की आर्द्र भूमियों की सूची जारी की गई, एक वेटलैंड जो है वर्ल्ड की उनकी सूची जारी की गई। अब हमें वहां नहीं जाना कि विश्व में क्या वेटलैंड है, बहुत सारी वेटलैंड्स होती है, हमें यह पता करना है कि भारत की वेटलैंड किसमें है। इस सम्मेलन में, इस साइट में शामिल भारत की वेटलैंड्स कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लिख दीजिए रामसर साइट्स में शामिल भारत की आर्द्र भूमि या वेटलैंड, ये है आपके काम की चीज। अब देखिए ये टोटल है 27, ध्यान रखें 27 है ये, 27 है ये, और इसमें जो 27वीं है ये है सुंदरबन, इसको शामिल किया गया है सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल है, और इसको जो शामिल किया गया है ये शामिल किया गया है 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को ये शामिल किया गया है। तो ये 27 है टोटल, नई का ध्यान रखें। और यदि हम पुराने की बात करें तो बहुत सारी है, जैसे हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, मैं जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के संदर्भ में 2 रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं, एक तो है सांभर झील जो जयपुर में है आप जानते हो, एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राजस्थान के हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पड़ता है, सांभर झील आप जानते हो जयपुर में पड़ता है। राजस्थान के संदर्भ में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान के 2 स्थल रामसर साइट्स की आर्द्र भूमियों में शामिल है, एक है सांभर झील जो कि जयपुर में है, एक है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। और भी कई चीजें हैं जैसे हम क्लास में चर्चा करते रहते हैं, अष्टमुड़ी झील, बेम्बानंद झील, ये केरल में है, ये वेटलैंड में शामिल है। कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है ये भी वेटलैंड में शामिल है। इसके अलावा वुलर झील जो कि J&K में है वो भी वेटलैंड में शामिल है। एक भितरकणिका मैग्रोव ये ओडिशा में है ये भी शामिल है। तो ऐसे करके टोटल 1 फरवरी 2019 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जो है हमारे पास 27 भारत की आर्द्र भूमियां जो है वो रामसर साइट्स में शामिल है, ये ध्यान रहे।
27वीं जो आर्द्र भूमि है वो है सुंदरबन, जिसे 1 फरवरी 2019 को शामिल किया गया है। ये करंट अपडेट है। अब मैं क्लास के स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने उनको आर्द्र भूमियों वाला चैप्टर करवाया था, उस चैप्टर में मैंने 26 लिखवाई थी, अब उसको 27 कर दीजिए, क्योंकि यही अपडेट अपडेशन होता है। 27 कर दीजिए और 1 फरवरी 2019 से। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने रामसर साइट्स के बारे में बात की। रामसर साइट्स के संदर्भ में जो हमने चर्चा की है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इसका 27वां वेटलैंड, भारत का जो 27वां वेटलैंड है सुंदरबन, जो 1 फरवरी 2019 को शामिल किया गया, ये महत्वपूर्ण है। वेटलैंड इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ है? नीदरलैंड। ये ध्यान रहे, अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और आपके कॉमेंट स्वागत योग्य है। धन्यवाद।